गुप्त सूचना के आधार पर किशनगंज टाउन थाना पुलिस ने रेड लाइट एरिया में छापेमारी की, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई घरों से आपत्तिजनक चीजें बरामद की। मौके से 8 महिला पुरुष को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस की टीम ने रेड लाइट एरिया को चारों तरफ से घेर लिया था। इस दौरान पुलिस ने दलाल धंधेबाज समेत कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया है। इस बारे में थाना अध्यक्ष ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने के बाद एसपी के निर्देश पर कार्रवाई हुई, जहां मौके से एक चकला घर संचालिका और सेक्स वर्कर के साथ साथ 6 ग्राहक भी हिरासत में लिए गए हैं। पहले से गुप्त सूचना मिल रही थी कि आपके खगड़ा रोड लाइट एरिया में व्यापक पैमाने पर अवैध धंधा चल रहा है, अवैध जल उपाध किया जा रहा है। इसी सूचना पर हम लोग ने आज रेड किया है अनुमंडल पुलिस अधिकारी में, और जो भी आगे कार्रवाई होगी वो फिर आगे। पटना से राघोपुर जाने के दौरान गंगा नदी में हुई दुर्घटना से 2 गायब लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया है। एनडीआरएफ की टीम ने स्कॉर्पियो को तो नदी से निकाल लिया, लेकिन लापता 2 लोग नहीं मिले। दुर्घटना रविवार की रात नदी थाना क्षेत्र के जेटली घाट के पास हुई थी। पटना से राघोपुर बारात लेकर जा रही एक स्कॉर्पियो नाव पर लादी गई थी और संतुलन बिगड़ जाने की वजह से वो पलट गई। गाड़ी में सवार कई लोग जान बचाकर निकलने में सफल रहे, लेकिन 2 लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया है। बगहा नरकटियागंज गोरखपुर रेल लाइन के पास तार गिर जाने की वजह से रेल परिचालन घंटों बाधित रहा, जिसके चलते भीषण गर्मी में पैसेंजर काफी परेशान दिखे। गोरखपुर से नरकटियागंज की तरफ जाने वाली और नरकटियागंज से गोरखपुर की तरफ आने वाली ट्रेनें कई स्टेशनों पर खड़ी रही, यात्री परेशान नजर आए। आपको बता दें कि तार टूट कर लटक कर नीचे आ गया था, जिसकी वजह से कई एक्सप्रेस ट्रेनें यहां खड़ी रही। उनकी मरम्मती में 2 घंटों का वक्त लगा, इस दौरान यात्री काफी परेशान दिखे। हमको बेतिया जाना है, बांद्रा डाउन का हम इंतजार कर रहे थे, वो पनियावा में आके खड़ी थी, हमें सूचना मिली है, यहाँ पर सूचना पूछे थे, उसके बाद ये बांद्रा आई है, इसके पहले एक मालगाड़ी गई है। तो क्या हुआ था? मैंने मालगाड़ी गई है तो वो जाने के बाद वाल्मीकि नगर और पनियावा के बीच में तार टूट गया। अच्छा अच्छा, जिसके रिपेयर करने के लिए कोई गाड़ी वगैरह गई है, उसके बाद फिर अभी ये खुला है। तो सुचारू से चल रहा है? अब चालू हुआ है, अभी आने का। कहाँ जाना था आपको? जाना क्या? बेतिया। और ट्रेन आ रही है ना उधर? हाँ, ट्रेन आ रही है, 2 नंबर पर आ रही है। स्टेशन पे कुछ तार का प्रॉब्लम था, करंट का, इसीलिए कुछ देरी से मतलब ट्रेन खुला। कितना घंटा लगा? लगभग 3 घंटा, 2 के आसपास ट्रेन आ चुकी थी और अभी कुछ देर पहले खुली। क्या सूचना मिला था कि तार कहीं गिरा हुआ था इस बार? हाँ, सूचना मिला था कि यहाँ पे तार आगे शायद गिरा हुआ था, तो वाल्मीकि नगर में कुछ। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा चंपारण पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और दल की मजबूती के लिए रणनीति तैयार की। चंपारण के कद्दावर नेता सुरेंद्र कुशवाहा के साथ ही सैकड़ों नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा के समक्ष जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। आपको बता दें कि सुरेंद्र कुशवाहा चंपारण में कुशवाहा समाज के बड़े नेता माने जाते हैं और पूर्व में रालोसपा से वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ चुके हैं, और जिसके बाद 2 दिवसीय दौरे के दौरान उपेंद्र कुशवाहा अपने पुराने साथियों के घर भी गए। चंपारण के इलाके में तो आते ही रहते हैं, कभी पार्टी के काम से, कभी ऐसे, तो उसी क्रम में आए हैं। और सुरेंद्र कुशवाहा जी पार्टी के पुराने साथी रहे हैं, आज फिर से सदस्यता ग्रहण की है इन्होंने, इनके साथ और भी सैकड़ों लोग हैं, तो सब लोगों का दल में स्वागत है। और इसी रूप में पार्टी का कार्यक्रम है और सब लोगों से आग्रह है कि आपके माध्यम से पूरे इलाका के लोगों से कि सब लोग मिलकर नीतीश कुमार जी को ताकत दें, अच्छा काम हो रहा है इसलिए उनको ताकत सब लोगों को देनी चाहिए। आज एक आपके पुराने साथी आपके जदयू छोड़ और हैदराबाद में, अब इस खबर की जानकारी हमको नहीं है, अभी पहले जानकारी लेंगे फिर इस पर कुछ बता।